मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम जा रहे हैं राजस्थान। निशांत, दादा, आकाश भाई, अमित, ये चारों लोग अलीगढ़ से आए हैं। और अभी हम मैं खड़ा हूँ यहाँ मानेसर चौक पर ही, चौक थोड़ा आगे है और उससे पीछे खड़ा हूँ। हम कर रहे हैं दादा वगैरह सबका वेट कर रहे हैं क्योंकि वो दादा को लेने गए हैं। जा रहे हैं राजस्थान में भानगढ़ किला। भानगढ़ जो भी किला है हॉरर है, वो हॉरर प्लेस है, वहाँ पर जा रहे हैं और उसे एक्सप्लोर करेंगे। बाकी सब चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा, लाइक होटल कितने का होता है, सब कुछ, डीजल कितने का लगता है गुड़गांव से, सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम उनका वेट कर रहे हैं, जैसे वो लोग आ जाते हैं और वो लोग आ जाएंगे उसके बाद निकलेंगे, उनको दिखाऊंगा कैसे कैसे क्या है। और भाई मेरे पुराने ब्लॉग कैसे लगे थे ये बता, एक नंबर। तू गया क्यों नहीं था? जा नहीं पाया था, थोड़े फैमिली से। मैंने इसे बहुत मिस करा क्योंकि हम दोनों मतलब अच्छे बात कर लेते हैं लाइक ब्लॉग में, तो ठीक है करेंगे, आगे जाएंगे, अभी काफी टाइम से जाएंगे और दिखाएंगे सब कुछ। अभी हम उनका वेट कर रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट मॉर्निंग में राजस्थान पहुंच जाएंगे और फिर सब एक्सप्लोर करेंगे। ये दोनों मतलब तीनों भाई आ गए, चले भाई लोग। नमस्कार, और हम आ चुके हैं गुड़गांव अपने दादा के पास। हम ऐसे जाने को तैयार हैं। जी साहब कहाँ, जी साहब कहाँ पड़े? जी साहब अंदर है। दादा बहुत टाइम लगा दिया तुमने भाई साहब, आधा घंटे हो गए हमें। अरे भैया टाइम क्या लग गया यार वहाँ पे। दादा ने बोला था आई एम कमिंग विद इन 15 मिनट, बट ही नॉट। व्हाट हैपेंड ब्रो? हाथ मिला ही चल दिया दादा। आप सही हैं? जी साहब क्या कर रहे हो? ये घायल रिटर्न हो गए, सो गए हाथ दंगा आ रहा है। अरे बाहर पूछ रहा यार, दादा का चेक कर रहे हैं। सभी आ गए हम, दादा गाड़ी बोल रहे हैं, गाड़ी चेक करता हूँ मैं, क्या क्या लेके आए तुम, क्या आइटम है, क्या कर क्या रहे थे तुम अंदर? हेलो ब्रो। हेलो ब्रो, अभी हम गए थे अपने दादा को। ब्रो वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू आवर, वेलकम टू आवर चैनल। और हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही एकदम ऐसी जगह जो है भानगढ़ का किला एंड द चैपल। फुल मजे आने वाले भाई। हम थोड़ा सा लेट इस टाइम इसीलिए हो गए क्योंकि दादा को लेने भाई ज्यादा हो गया एक्साइटमेंट, तुम्हारी एक्साइटमेंट। और हम अब गाड़ी चलाएगा भाई। चल चलो चलो निकलते हैं। तुम पुलिस ने रोक दी थी सच में? पाइप गिन के लगाया था मुंह में। मैं तभी तो गाड़ी रोक दी थी मैंने। एक और गाड़ी भी चेक हो चुकी है हमारी यहीं से। अब यार चल रहे हम, काफी लेट हो गए। चलो 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 चलो। नो ब्रो यार, भाई अभी ना हमने गाड़ी रोक ली यहाँ होटलों पे, और मैं आकाश भाई से ये सवाल करूँगा ये इसके बारे में। आकाश भैया ये जो लिख रहा है ये डिमांड किन की है, ये बताओ, भाभी की डिमांड से लिखा गया है या तुम्हारी खुद की पर्सनल चॉइस थी ये? क्या ए लौंडिया, अरे नमस्ते, फिर किन की चॉइस थी ये? अरे बताओ ना यार, ये किनकी चॉइस थी, तुमने खुद लिखवाया है या भाभी ने फोर्स करके? ऐसा था, मैं बताता हूँ इस बारे में। ये एक नंबर के भाई, जय साहब है ये अपने विद्युत विभाग में, इनकी डिमांड है जो हम चाय पी रहे हैं। और यहाँ से तीन से चार घंटे का रास्ता है राजस्थान का भानगढ़ किले का। भाई हम यहाँ रुक गए भानगढ़ का जो किला से 1 किलोमीटर दूर, और यहाँ पर ये हमने होटल लिया है कल्याण पैलेस है, रॉयल कल्याण। 500 रुपीज पर रूम लिया, दो रूम लिए हमने।
ये रूम लिया हमने 500 रुपए का एक रूम है, दो रूम लिए हमने और 6-7 घंटे के लिए हमने, तो बाकी मैं से मॉर्निंग में पूछ लूंगा कितने प्राइस है। वैसे 500 या 700 होंगे प्राइस यहाँ के, कितने प्राइस होंगे और हम सुबह जाएंगे, सुबह करेंगे सब कुछ एक्सप्लोर के बारे में। से आने के बाद जो नुकसान था कुछ इस तरीके से दिख रहा है मेरा। अभी मैं घर गया नहीं, घर जाऊंगा तब उसके बाद सही कराऊंगा। मोहनजोदारो या सुनी नहीं रहा, अमित तेरे नाम से नहीं सुन रहा, तेरे नाम से नो देख रवि, ए रवि। सबसे पहले होटल से निकलने के बाद, क्योंकि 1 किलोमीटर होटल था, वहां से निकलूंगा। जैसे हमने एंट्री करी तो 50 रुपए पर कार एंट्री है। उसके बाद 100 मीटर समथिंग चलने के बाद ही गाड़ी पार्क करनी होती है। यहाँ पे सब गाड़ियाँ पार्क हो रही हैं, ये अपनी पहली गाड़ी पार्क हो रही है और आई थिंक एंट्री गेट यही है। अभी निकल कर देखते हैं। सबसे पहले तो 25 रुपये पर टिकट लिया हम लोगों ने और उसके बाद इस काउंटर पे एंट्री करनी होती है। एक लोग का मतलब एंट्री करनी है, 25 रुपये पर टिकट है। कंचना चल रहा है अंदर है। मंजुलिका मंजुलिका वाह, हमारी मस्ती शुरू हो गई है यहाँ पर। और हम उस हाइट पर भी जाएंगे, वो कौन किन का मंदिर है, तांत्रिक है उसका कोई? अबे मंदिर नहीं है, मस्जिद है वो। जो भी है तांत्रिक है। हट जा भैया, वो मीटिंग चल रही है। आई लव मंजुलिका। मंजुलिका से मुलाकात हो गया। नो वी लव मंजुलिका। तो हमें छोड़ रहे हो अकेले? यहाँ पर कुछ ऐसा व्यू है। इधर का जो व्यू है इस तरीके का है। और यहाँ पर मैं पहली बार आया हूँ, एक्चुअली मैं राजस्थान ही पहली बार आया हूँ, घूमा हूँ बट राजस्थान पहली बार आया हूँ। और आज का जो ब्लॉग है, इस ब्लॉग में तो यहीं पर आएंगे हम, क्योंकि कल ऑफिस भी जाना है, तो इस वजह से इसी को एक्सप्लोर कर दें। बाकी तो करते रहेंगे, हर ब्लॉग में कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करेंगे ही। यहाँ के व्यूज देखने में तो इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, बाकी हॉरर यहाँ पर क्या क्या है वो मैं आप सबको देख करके बताऊँगा क्या एक्सपीरियंस है यहाँ पर मेरे हॉरर का। डराने का प्रयास, डराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं आगे भाई। मीटिंग कर लिया आगे भाई ने इससे। आज ये सबसे मिलके जाएंगे यहाँ, सब एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ पे, कैसे कैसे बात करनी है इनसे। ये जो है मेन गेट है और अभी यहाँ से हमें एंट्री करने के बाद आएगा सीन दिखाएंगे सब। इस मंदिर पे मैंने एक बार नोटिस करी है, मतलब पता नहीं है सब लोग शूज पहन के जा रहे हैं, लाइक सब लोगों ने शूज पहन रखे हैं। क्या चीज है बट एवरी वन सब लोग शूज पहन रखे हैं, तो ये मंदिर तो नहीं होगा, ये पर्सनली मेरा मानना है। बाकी कमेंट करके बता दो यहाँ पर शूज पहन के क्यों आ रहे हैं लोग। छुप जाते हैं रात के, रात में छुप जाते हैं नहीं क्या होता है। और तुम्हारे सब घूम गए रात इस हॉन्टेड प्लेस पे, अगर हम वहाँ जाते हैं आधी रात को मिडनाइट में तो शायद वहाँ पर कोई एक बार वापस लौट के ना आए, लेकिन अगर इस मंदिर में अगर कोई आधी रात को भी यहाँ है तो उसे कोई भी मतलब प्रेत आत्मा कुछ अनहोनी या मतलब कोई भी दूसरी शक्ति छू नहीं सकती। अच्छा ऐसा भी है, ये मंदिर बहुत ही रहस्यमय मंदिर है। इस ये मंदिर इसके पहले से ही पहुँच गए वहाँ पे मंजिल का से मीटिंग करने के लिए। उस गेट में घुसने वाले हैं जो भानगढ़ के लिए अंदर के लिए एंटर होता है। वैसे मैं ना भैया 1-2-3 गेट ऑलरेडी घुस चुका हूँ यहाँ के आने के लिए। तीन गेट आप घुस चुके हो, लेकिन ये किले का जो मेन गेट है हम अब उसमें घुस रहे हैं। किले का जो मेन गेट है ये पहरेदार है आई थिंक, और ये है इसका, इसे मेन डोर बोल सकते हैं। यहाँ का जो व्यूज है कुछ ऐसा व्यू है।
क्लिक करना हमारी एंट्री। अब आ जाओ। Here is Malim और मंकीज। इस तरीके का किला है। तुम देखे भूतिया? He is seeing भूतिया। What is this भूतिया? थकान अच्छी खासी हो गई है। यार हाइट पर है अच्छी खासी। यहाँ पर जाने कह रहे लेकिन नहीं जा पाएंगे क्योंकि अभी हमने चेंज कर दिया प्लान में। फिलहाल में चेंज आपको पता ही है कि हवा महल जाना जयपुर। सबको आज ही वापस होना है क्योंकि कल सुबह मॉर्निंग में जॉब पर जाना है, इसलिए ऊपर नहीं जा रहे। किले पर ही सब दिखाएंगे। कुछ अंदर जाने के लिए सीन है। कैसा लग रहा है ये? हेयर इज बंद। यहाँ पे रास्ता खत्म हो चुका है ब्रो गाइस। और यहाँ पे एक छोटी सी गुफा है। इससे हमें इससे निकलेंगे जय साहब। इससे निकलेंगे जय साहब। हटो 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 जय साहब निकल। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री हो रही है यहाँ पर जी। नेक्स्ट एंट्री ये देखो किस तरीके के लाइक का मूवी। इस तरीके के व्यूज है इस क्लिक के अंदर। अब ये ऐसा लगता है ये रात को ही हॉन्टेड होते होंगे तो मॉर्निंग में अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ये व्यू देखने में तो यार हॉन्टेड ही लग रहा है जी। यहाँ से भी कहीं ऊपर जाने के लिए नहीं। ये बंद कर दिया है यहाँ से रास्ता, पता नहीं कहाँ जा रहा था। ये बंद कर दिया है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, बंद कर दिया। लगता है ज़्यादा हॉन्टेड था ये ना। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, लाइक किसी जगह चले जाओ तुम उधर मतलब उस चीज़ को ना पार नहीं कर सकते हो, वहाँ से तुम्हें रिटर्न ही होना है। रिटर्न होकर फिर लग जाओ, वहाँ से जाके फिर रिटर्न होना है। कुछ इस तरीके का सीन है इधर। वाह वाह वाह, तुम्हारी पावर को एक किसोपो की सलामी। समथिंग एक क्विंटल, अरे ज्यादा ही एक क्विंटल। इन्होंने तीन लोग एक क्विंटल लौटा पाएंगे। वेट मेजर कर दिया कितना है इसके अंदर। बहुत ज्यादा है, 2.5 क्विंटल लगेंगे। नहीं नहीं भैया यहां से नहीं, इसको उठाने का पूरे प्रयास करे जा रहे हैं। बहुत से लोग आ गए। अरे खड़ा करना है इसे। नहीं 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 एक्चुअली में यहाँ पर हुआ ये, उसको उठाने का सीन बन रहा है लेकिन यहाँ की चीजों को छेड़ने से डरते हैं लोग। ये तो है, लोग डरते हैं यहाँ की चीजों को उठाने से। तो कुछ लोग आए थे बोले भैया नहीं हम नहीं उठा रहे। मैं आप सबको ना यहाँ पर चढ़ के दिखाता हूँ बिना गिरे। लगता मुझे छोड़ना ना पड़े। ठीक है, चढ़ने के लिए कुछ इस तरीके के रास्ते हैं। आराम से फाइनली यहाँ पर आ गया मैं। और यहाँ से होता हुआ ये और इसके ऊपर भी है, वहाँ पर भी जाऊँगा मैं, वहाँ पर भी जाऊंगा मैं। ये व्यू है यहाँ का, ये किले के ऊपर है हम। यहाँ पर कुछ लोग पूजा कर रहे हैं। देख निशांत ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर गई वहाँ के लिए। और वहाँ तक यार ये, और देखो ये देखो यहाँ पर आके तुम्हें कुछ ना कुछ लगेगा कुछ नया सा। भाई अभी ना देखो वो वहाँ पर कोई लोकेस नाम लिख रहा है, एक सेकंड में ये दिखाता हूँ। ये ना किले के सेंटर नहीं बट थोड़ा लेफ्ट साइड पर है, लेकिन अंदर कोई ऐसी चीज़ है। बस मैं देखकर आप सभी को बताता हूँ क्या है वो चीज़। ये है भाई, मुझे पता नहीं ये क्या है बट क्या ये मेरी पढ़ने में भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी है जय हो। क्योंकि डर तो मुझे भी लगता है। इस तरीके के व्यूज हैं इधर।
सस्ता फ्री हो गया। यहाँ पर अभी मतलब ये अच्छा है, यहाँ पर ना ऊपर जाने के लिए आ जाएगा सीढ़ियाँ भी हैं और प्राकृतिक रास्ता भी है, लाइक टूट फूट होके। ये क्या बन रहा है भाई? पता नहीं, कुछ कुएं टाइप के हैं। अच्छा एक चीज़ है, गाइड होता वो हर चीज़ गाइड करता। पंडित जी ने अभी हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि ये दो कुएं हैं पानी पीने के। आई थिंक ऑलमोस्ट हाइट पर है हम, हमारे मित्रगण नीचे रह गए, पता नहीं भाई वो कब ऊपर आएंगे। अरे मैं बताऊं, यहां से एक बार राजा कूदो। अब ये कहानी सुनाएंगे यहाँ की, आ जाओ भाई। यहाँ से राजा कूद गया था गुस्से में। अच्छा फिर ऊपर पर टूट गया तो उसके बाद यहाँ पानी पी गया वो सारा। पानी खत्म ही हो गया, गर्मी ज्यादा गर्मी के अंदर राजा को प्यास लगी और वो यहाँ कूद गया, पानी खत्म। ऊंट थे क्या वे? ऊंट से भी ज्यादा पी गया। ठीक है देख दादा को देख। ऑलमोस्ट यहाँ पर सब कुछ देख लिया हम दोनों ने, टॉप हाइट पर आ चुके हैं। ये है यहाँ की टॉप हाइट। ठीक है, ऊपर हमारे जाने का प्लान था लेकिन अभी हम जाएंगे जयपुर हवा महल के लिए, तो इसलिए हमारा प्लान में चेंजेस हो गए हैं, तो वहाँ पर नहीं जा रहे। लेकिन मैंने एक चीज़ अभी नोटिस करी है, यहाँ पे जो किला है ना काफ़ी बड़ा है, वो उसकी वॉल है ये, तो बड़ा तो है पीछे तक। बस ब्लॉक को तो एंड नहीं, इसका पार्ट टू करूँगा मैं अभी। जयपुर जो जयपुर जाएंगे हम उसको पार्ट टू में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब चलते हैं सीधा जयपुर। चला